मैं प्रियंका अग्रवाल होली चिल्ड्रन पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल में पढ़ने वाले सभी बच्चों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। कक्षा 5 विषय हिंदी, जिसमें बच्चों पाठ्य पुस्तक आपकी कार्तिकेय। आज हम लोग इसका 5वां पाठ अकल बढ़िया भैंस, ये कहानी है, उसे पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले आप अपने स्कूल के चैनल होली चिल्ड्रन पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, जिससे आपके स्कूल से जुड़ा कोई भी एक्साइटिंग इन्फॉर्मेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं अपनी कहानी अकल बढ़िया भैंस। एक जंगल था, उसमें बहुत बड़ा तालाब था। जंगल के सभी जानवर इसी तालाब में पानी पीते थे। तालाब के किनारे एक पुराना पेड़ था, उस पर अकलू नाम का बंदर रहता था। वो बड़ा ही बुद्धिमान था, इसीलिए सभी उसको अकलू नाम से पुकारते थे। एक दिन दोपहर का समय था, एक भैंस तालाब में नहाने के लिए चली गई। लेकिन जब वो नहा के निकली तो उसके बदन पे मिट्टी और कीचड़ लगे हुए थे, तो अकलू बंदर खी-खी करके हंसने लगा। भैंस तो भैंस ठहरी, वह गुस्से में बोली, तुम्हें शर्म नहीं आती अपने से बड़ों पर हंसते हो? अकलू और जोर से हंसा और बोला, अरे ऐसा भी क्या नहाना कि देह में तुम्हारे कीचड़ मिट्टी लगा ही रहे। इससे अच्छा था तो कि तुम नहाती ही नहीं। तुमने पानी का तालाब का पानी भी गंदा कर दिया और खुद भी वैसी ही हो। जा जा, तो भैंस बोली, जा जा बड़ा आया। भैंस ने धमकाया, जरा नीचे तो आ, मैं अभी मजा चखा दूं। अरे जा अपना काम कर, अकलू ने ताने देकर भैंस को बोला। बड़ी जल्दी है बड़ी बनने, इतना बड़ा तो तुम्हारा शरीर है यानी ढील है, पर अकल रत्ती भर भी नहीं है। भैंस और अकलू की गर्मा गर्म बातें सुनकर गांव के अन्य जानवरों के कानों तक भी पहुंच गए। उन्होंने तय किया कि किसी न किसी तरह इस झगड़े को निपटाया जाए। शाम हो गई, जंगल के सभी जानवर तालाब के पास जमा हो गए। सबकी राय थी कि दोनों में से कौन किसके कौन बुद्धिमान है, ये देख लिया जाए। इस प्रतियोगिता के लिए निर्णायक जो है, जो फैसला करते हैं, वो शेर बना और रेफरी जो है गीदड़। जंगल के सभी जानवर यह मजेदार तमाशा देखने के लिए उत्सुक हो गए। वे सब तालाब के उस पार जाकर जम गए। इस पार अकलू भैंस और गीदड़ रह गए। अकलू बहुत परेशान था, इसलिए उसे तैरना तो आता नहीं था, और फैसला यह हुआ कि जो बीचों बीच तालाब को पार कर जाएगा वही बुद्धिमान है। सारी तैयारियां पूरी हो गई। जब गीदड़ ने दोनों को सावधान किया तो उसके हुआ हुआ करने पर दोनों को तालाब में तैरना शुरू कर देना था। अकलू की परेशानी बढ़ गई, दिल धड़कने लगा। अब वो क्या करे। लेकिन उसी तरह अंत में अकलू को एक तरकीब समझ में आ गई। अकलू खुशी से उछल पड़ा। उसने पेड़ की एक डाली को जो नीचे झुकी हुई थी उस पर चार छलांगें लगाई और तालाब की झुकी डाल पर जा पहुंचा। भैंस अभी थोड़ी ही दूर गई थी कि बस अकलू वहीं से कूद पड़ा और धम्म से भैंस की पीठ पर आकर बैठ गया। भैंस ने उसे गिराने के लिए एक दो बार अपनी पूंछ हिलाई, परंतु अकलू ने उसे भी पकड़ लिया। जंगल के सभी जानवर उसकी चतुराई देखकर चकित रह गए। वे अब यह देखने के लिए उत्सुक हो गए कि पहले कौन पहुंचता है। भैंस धीरे धीरे किनारे पर पहुंची। अभी जमीन थोड़ी दूर ही थी कि अकलू फिर जोर से उछला और किनारे पर आकर खड़ा हो गया। सारे जानवर अकलू की अकलमंदी और जीत पर खुशी से चिल्ला उठे। भैंस इधर बिचारी धीरे धीरे पानी से बाहर निकली। तभी शेर ने फैसला किया कि अकलू बड़ा है भैंस नहीं, और उस दिन से लोग यही कहने लगे, आखिर अकल बढ़िया भैंस। तो बच्चों, ये थी आपकी मजेदार कहानी। आइए अब इसमें जो एक्सरसाइज है ये आपको बुक में फिल करना है और नोटबुक में भी शब्दार्थ के साथ इसे राइट करने, यही आपका होमवर्क है। मैं फिर आपसे मिलूंगी, तब तक के लिए धन्यवाद। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।